न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में भारतीय दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने उतरी। बतौर कप्तान विराट कोहली इस मैच में पहली पारी में बल्लेबाजी में नाकाम रहे। महज दो रन खेलकर कोहली मैदान से वापस लौटे। बतौर कप्तान न्यूजीलैंड में कोहली के नाम पहली पारी में एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय कप्तान विराट कोहली की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। बतौर कप्तान पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे कोहली 7 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान द्वारा न्यूजीलैंड में यह दूसरी सबसे खराब शुरुआत थी। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान न्यूजीलैंड में खेलते हुए कोहली की शुरुआत भुलाने वाली रही। 7 गेंद खेलकर कोहली 2 रन बनाकर आउट हुए। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट पारी में 2 रन ही बना पाए थे। न्यूजीलैंड में पहली टेस्ट पारी की बात करें तो बतौर कप्तान नवाब पटौदी ने 11, सुनील गावस्कर ने नाबाद 35 रन, विशन सिंह बेदी ने 30 रन, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 30 रन, जबकि वीरेंद्र सहवाग ने 22 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान द्वारा न्यूजीलैंड में पहली पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है। धोनी ने सबसे ज्यादा 47 रन की पारी खेली है। 18 मार्च 2009 हैमिल्टन में बतौर कप्तान पहली पारी खेलने उतरे 123 गेंद पर 47 रन बनाए थे धोनी ने। सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे भारतीय कप्तान गावस्कर हैं। उन्होंने बतौर कप्तान न्यूजीलैंड में पहले मैच में नाबाद 35 रन बनाए थे। अब देखना यह है कि इस टेस्ट सीरीज में किसकी जीत होती है, क्योंकि विराट कोहली तो 2 रन पर ही आउट हो गए। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।